मानव जीवन में योग प्राणायाम का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ऋषि मुनियों के समय योग प्राणायाम रोजाना करने की एक प्रथा थी। फिर हाईटेक योग आने के बाद योग प्राणायाम में कमी देखने को मिली, लेकिन कोरोना महामारी के बाद से अब लोग योग प्राणायाम की ओर बढ़ने लगे हैं। इसको सिखाने वाले बुरहानपुर के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाले एक ऐसे योग प्रशिक्षक मास्टर है जो इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में रहते हैं, जिनके द्वारा 1992 से लोगों को निःशुल्क योग प्राणायाम सिखाया जा रहा है। बच्चों से लेकर तो बुजुर्गों को भी भास्कर डोंगरे योग सिखाते हैं। वह सुबह 6 बजे से 8 बजे तक निःशुल्क योग प्रशिक्षण देते हैं। उन्हें आज तक 31 वर्ष में हजारों लोगों को योग प्राणायाम सिखाया है। जब योग प्रशिक्षक मास्टर ट्रेनर भास्कर डोंगरे से लोकल 18 की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा 1992 से लोगों को निःशुल्क योग प्राणायाम सिखाया जा रहा है। मुझे 2010 में राज्य स्तरीय पुरस्कार भी भोपाल में प्राप्त हुआ है और मुझे जिला प्रशासन के साथ साथ अन्य सामाजिक संस्थाएं भी सम्मानित कर चुकी है। मेरे द्वारा लेटने वाले आसन से लेकर तो श्वास क्रिया के आसन भी लोगों को सिखाए जाते हैं। भास्कर डोंगरे की उम्र 55 वर्ष है। मेरे द्वारा 31 वर्षों में हजारों लोगों को योग प्राणायाम सिखाया गया है। मेरा मुख्य उद्देश्य लोग स्वस्थ रहे, इसके लिए मैं बच्चों से लेकर तो बुजुर्गों को योग सिखा रहा हूँ। इस स्टेज पर सम्मानित किया गया है योगा के, देखिए 1992 में मैंने इसकी योगा की प्रशिक्षण प्राप्त किया। योग में काफी मैंने मेहनत की, महर्षि योग पतंजलि शास्त्र अधिक से अधिक पढ़ा, उसके पश्चात मैंने आम पब्लिक में योग सिखाया, जगह जगह कैंप लगाए। निम्बुला में भी एक बार मैंने कैंप लगाया था जिसका सर्टिफिकेट मेरे पास में है। उसके पश्चात छोटे छोटे गांव अपने आसपास यहां भी लगाए थे। मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से भी कैंप लगाया गया था। अपने जितने भी कॉलेजेस है, अपनी महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज, यहाँ पर भी वह प्राचार्य महोदय जी ने बुलाया था, वहाँ भी कैंप लगाया था। जवाहर नवोदय विद्यालय बुरहानपुर, यहाँ भी कैंप लगाया था 3 दिन का। इस प्रकार से जगह जगह कैंप लगा करके मैंने योग का प्रचार प्रसार किया। उसके पश्चात हर वर्ष बुरहानपुर जिले में एकमात्र खेलकूद विकास समिति है, उसमें भी मैं सुबह 6 से 7 बजे तक करीबन 450 बच्चे आते हैं। उन बच्चों को खेलकूद के माध्यम से सुबह 6 से 6:30 बजे तक मैं योगा सिखाने का अभ्यास करा। और कहां सम्मानित हो चुके हैं? मेरे को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2010 में राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद राज्य स्तरीय योग पुरस्कार से मुझे भोपाल में माननीय श्री शिवराज जी चौहान जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 2010 में 5 सितंबर 2010 को स्वामी विवेकानंद राज्य स्तरीय योग पुरस्कार से भोपाल में बुलाकर रविंद्र भवन में सम्मानित किया गया। आप मतलब कितने वर्षों में कितने लोगों को सिखा चुके हो यदि बात करें? सर ऐसा देखा जाए तो सन 1992 में जब मैं योग ट्रेनिंग लेकर आया तब से आज तक मैं समझता हूँ कभी भी सुबह 6 बजे घर पे नहीं रहा, कहीं ना कहीं योगा मैंने सिखा। आंकड़े की बात यदि करेंगे हजारों की संख्या में हो सकती है सर, हजारों बोलो 10-15 के समय। भास्कर डोंगरे, जिला योग प्रभारी बुरहानपुर।